नमस्ते, प्रीति नर्सिंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको परमेथ्रीन क्रीम 5% के यूजेस, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और उसके प्रिकॉशन, मतलब उसको हमें कब यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने परमेथ्रीन क्रीम लिया हुआ है, ठीक है। इसमें कॉम्पोजिशन है परमेथ्रीन 5%, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड का 1% है, ओके। ये क्रीम बेस में है, इसका लोशन और स्प्रे भी आता है मार्केट में, बट ये मैंने क्रीम फॉर्म लिया हुआ है, ठीक है। ये एक पॉइजन है, इसको हम ओरली यूज़ नहीं करते, इसको बस एक्सटर्नल बॉडी पे यूज़ किया जाता है। इसको अगर कहीं शरीर में कट गया है उस टाइम भी इसको यूज़ नहीं करते, इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके यूजेस क्या हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इसके यूज़ में है जो इसको स्कैबी, जैसे खुजली होता है उस टाइम हम इसका यूज़ करते हैं मोस्टली, और हेयर लाइस, मतलब बाल में जब जू पड़ जाते हैं तो इसका लोशन फॉर्म में आता है, उसको हम यूज़ करते हैं। मतलब इसको इंसेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं और इन्फेक्शन जो ईचिंग वगैरह होता है उसमें भी यूज़ करते हैं। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, अगर हमें कोई दिक्कत है ऐसा, तो हम उस जगह को पहले साफ़ सफाई करेंगे, मतलब सफाई करेंगे, उसके बाद ही इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसको आँख और चेहरा पर जाने से बचाना है, ओके। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट इसके क्या है, स्किन रैसेस हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, स्किन रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग और स्किन बर्निंग भी हो सकती है अगर इसका हम ज़्यादा यूज कर लें तब, ठीक है। इसके कुछ अब प्रिकॉशन है, मतलब इसका यूज हमें कब नहीं करना चाहिए, जैसे एलर्जी है इस मेडिसिन से, कोई हमें दवा चल रहा है, मेडिकल हिस्ट्री है, कट ऑन स्किन है, ठीक है, आँख पे, और बच्चों से हमें इसे दूर रखना है, ठीक है, ओके। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो, ओके, थैंक यू।